जनूबी पंजाब के अंदर सुबह सुबह 6:14 पर बारिश शुरू हुई और 20 मिनट की बारिश ने जल थल करके रख दी। कमरों में, घरों में पानी दाखिल हो गया। ये देखिए सड़कों में पानी। वो सामने जहां आप कोने में देख रहे हैं वहां वो नी के अंदर पानी जा रहा है, जो बुनियाद है सड़क की। ये सापे होते हैं जिसको हम पंजाबी में गुडोया कहते हैं। इसके ज़रिए कुंडी में लगाकर हम मछलियां पकड़ते हैं। जब ये ज़मीन से निकल आते हैं तो समझ लो कि ज़मीन बिल्कुल तर हो चुकी है, अब पानी पीने की ज़मीन के अंदर गुंजाइश नहीं है। ये तकरीबन अभी पांव रखने की जगह नहीं है ज़मीन के अंदर, हर जगह यही निकलते हुए घूम फिर रहे हैं। 10 मिनट की इनकी मौज होती है जब ये बाहर निकलते हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से, वरना खालों के अंदर होते हैं। जब हम खाल वगैरह निकालते हैं तो उस वक़्त कोई कट भी जाते हैं, कोई साबित होते हैं, या ज़्यादातर कहीं पानी लगा दिया जाए खेत को तो फिर वहाँ से निकल आते हैं। और ये देखने को बिल्कुल छोटा सा होता है, इसको हाथ लगाएं बिल्कुल ये सुकड़ सा जाता है। अब ये देखिए ये अपनी बेल से बाहर निकल रहा है और ये देखिए कितना लंबा होता है। ये बस अपनी बेल निकालता कैसे है, बस मुंह के ज़रिए मिट्टी खाता जाता है और पीछे निकालता जाता है। देखिए ये कितना लंबा है, बहुत बड़े बड़े सापे हैं। इंशाल्लाह पिछले साल भी कपास की काश्त को इसी तरह बचाना पड़ा था, बारिशें बहुत ज़्यादा थी तो पानी बहुत ज़्यादा था कपास में। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है और आज तो आंधी भी आई थी जिसकी वजह से ये कपास के जो पौधे हैं आप देख सकते हैं कि वो गिर चुके हैं और कुछ पानी में लग रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी फफूंदी और फल जो है वो गीला होकर ख़राब हो जाएगा, पौधे तने खुश्क हो जाएंगे। इसीलिए मैंने ये एक टोबा बनवा रखा है, ये अपनी ज़मीन के साथ मैंने बहुत बड़ा टोबा बनवाया था। अभी जड़ी बूटियों से ये बंद हो चुका है तकरीबन, फिर भी ये 1 एकड़ का पानी जो है इसके अंदर समो लेता है। आप देख सकते हैं ये मैं अभी आया हूँ, 6:14 पर बारिश शुरू हुई थी और आज मंगल का दिन है और यहाँ से मैंने ये निकालना शुरू कर दिया। ये देखिए इधर जा रहा है और इंशाल्लाह आधे घंटे में ये बिल्कुल सफाई हो जाएगी। ये देखिए सारा चलते हुए पानी आ रहा है, इसकी खालियाँ देखिए ये भी बिल्कुल भरी भरी हैं। जो छोटा छोटा था वो तो डूब चुका है और ये देखिए तालाब बन चुके हैं बारिश की वजह से। हेरा तो मुर्गियों का कमरा जो है वो गिरते गिरते बच गया। ये देखिए छत से पानी जो है इधर ईंटों में जाता रहा और ये सारी ईंटें जो हैं अंदर की तरफ चली गई हैं और गिरने वाला है। आज इसको मैं दुरुस्त करता हूँ।